हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का जो है 12 अक्टूबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 12 अक्टूबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये कितने लोगों को मिला है, तो देखिए हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये दो लोगों को मिला है, ठीक है। किसको? तो विश्व के नंबर वन पहलवान बजरंग पुनिया को दिया गया है, और रियो पैरालंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट जो कि पैराथलीट से संबंधित है दीपा मलिक को दिया गया है। तो दीपा मलिक और बजरंग पुनिया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि नेशनल गेम ऑफ भूटान, मतलब भूटान का जो नेशनल गेम पूछा गया था, तो भूटान का जो नेशनल गेम होता है गेम है वो तीरंदाजी है, तो तीरंदाजी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि दशावतार मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये जो दशावतार मंदिर है ये आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले के देवगढ़ में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका राज्य पूछा गया था, ठीक है। दशावतार मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। और यह जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कह रहे थे दोस्तों राज्य विधानमंडल का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है मुझे बच्चों द्वारा नहीं भेजा गया, ठीक है। तो ये को इस तरह का क्वेश्चन जो है भेजा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 168 से 212 तक में किया गया, ठीक है, और ये भाग में जो है छठे भाग में किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 168 जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि विश्व सुंदरी 2019 यानी मिस वर्ल्ड 2019 जो है कौन बनी थी, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड 2019 जो बनी थी ये टोनी एन सिंह बनी थी, जो कि जमैका की रहने वाली है, तो टोनी एन सिंह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आपके जो करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके मार्च से पहले के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली का आपका करंट अफेयर्स नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि हैदराबाद की जो स्थापना ये किसने की है, तो देखिए हैदराबाद की जो स्थापना किए हैं ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जो उस पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, तो देखिए ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इंक्लूड कर दिया हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था। तो देखिए लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जो टीन की परत चढ़ाई जाती है उसे जो है गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2019 में जो है हिंदी भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा पूछा गया था, ये मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2019 में जो हिंदी भाषा के लिए दिया गया था वो नंद किशोर आचार्य को दिया गया था, ठीक है, और इंग्लिश भाषा में जो दिया गया था ये कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिया गया था। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी पूछा गया होगा तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, आप यहाँ पे मिला लो, हिंदी में जो है नंद किशोर को दिया गया था और इंग्लिश में जो है शशि थरूर को दिया गया था। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि बीसीसीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं ये सौरभ गांगुली हैं, तो सौरभ गांगुली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि गगनयान मिशन में जो है कौन सा देश सहायक है, तो देखिए गगनयान मिशन में जो सहायक देश है ये रूस और फ्रांस है, तो रूस और फ्रांस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों विश्व थायराइड दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व थायराइड दिवस जो है ये आपका 25 मई को मनाया जाता है, तो 25 मई जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि शरीर में जो है इंसुलिन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग हो जाता है,
तो देखिए हमारे शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ रोग होता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि पंकज अडवाणी आईबीएसएफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है कितनी बार जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका घुमा के नहीं पूछा गया था, इस तरह से पूछा गया था कि पंकज अडवाणी जो है आईबीएसएफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अवार्ड कितनी बार जीते हैं, ठीक है। तो ये जो है अवार्ड जो है ये 5 बार जीते हैं, और इस बार जो इन्होंने का जो जीते हैं मेडल वो 22 मेडल जीता, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि कोलकाता में जो है आईएसआई की स्थापना किसने की थी। तो देखिए कोलकाता में जो आईएसआई की स्थापना किए थे ये पीसी महालनोबिस ने किया था, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्टों में पूछा जाए कि कब किया गया था तो ये भी आपको याद रखना है कि 1931 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो ये मधुमेह रोग होता है, ठीक है, रोग होता है। तो मधुमेह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ये बीसीसीआई का चेयरमैन मैंने आपको बता दिया सौरव गांगुली करेक्ट होता। उसके बाद जो है टीन का जो सिंबल पूछा गया था, ठीक है। तो टीन का जो सिंबल होता है वो SN होता है, ठीक है। तो SN आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंबल से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि देवानाम पिया के नाम से जो है किसको जाना जाता है। तो देखिए ये जो देवानाम पिया के नाम से जो है ये अशोक को जाना जाता है। तो अशोक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि साइलेंट वैली जो है ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये जो साइलेंट वैली है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो केरल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 1984 में जो है बिहार रत्न पाने वाली मधुबनी कलाकार कौन थी। तो देखिए ये जो आपका थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था जीके में, ठीक है। तो 1984 में जो बिहार रत्न पाने वाली मधुबनी जो कलाकार थी ये सीता देवी थी। तो सीता देवी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1982 में जो है एशियाई खेलों का मेजबानी कौन किया था, कौन सा देश किया था, ठीक है। तो 1982 में जो एशियाई खेल हुआ था उसका मेजबानी जो है भारत किया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था कि तनगाटिया साल जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो तनगाटिया साल है ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। तो गुजरात जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि हाल ही में जो है किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए जो है मेट्रोमोनियल पोर्टल जो है शुरू किया है। तो देखिए ये जो मेट्रोमोनियल पोर्टल शुरू किए हैं ये ITBP अर्धसैनिक बल ने किया है, ठीक है। तो ITBP जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कह रहे थे कि जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत का स्थान पूछा गया था। तो जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा था वो 112वें स्थान पर रहा था, ठीक है। तो 112 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कह रहे थे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस कि मध्य प्रदेश का गवर्नर पूछा गया था। तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के गवर्नर है ये आनंदीबेन पटेल है, और ये उत्तर प्रदेश की भी जो है गवर्नर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कह रहे थे दोस्तों कि स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेटेड आर्टिकल के बारे में पूछा गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 168 जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप कह रहे थे दोस्तों कि गोवा जो इंडिपेंडेंट कब बना था, ठीक है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था या फिर ये पूछा गया था कि गोवा इंडिपेंडेंस डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए कब हुआ था तो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और कब मनाया जाता है तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप कह रहे थे कि भारत का जो थल सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में। तो देखिए भारत का जो थल सेना प्रमुख है वर्तमान में वो मनोज मुकुंद नरवाने हैं। तो मनोज मुकुंद नरवाने जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कैंसर परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए कैंसर परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक रही थी वो 8वें पायदान पर रहा था इंडिया, ठीक है। तो 8वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले फर्स्ट रैंक पे जो ऑस्ट्रेलिया रहा था, सेकेंड पे जो है साउथ कोरिया रहा था, और थर्ड पे जो है मलेशिया देश रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि क्रिस्टल अवार्ड 2020 जो है ये किसने जीता है। तो देखिए ये जो क्रिस्टल अवार्ड 2020 जीती है जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ था दीपिका पादुकोण दिया हुआ था, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है 3 और व्यक्तियों को दिया गया, आप तीनों व्यक्ति का नाम देख लो। थिएस्टर गेट्स को दिया गया है, जीन किंग को दिया गया है, और लाइनेट वाल्वर्थ को दिया गया है। तो ये तीनों का भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट आपका था कि भारतीय जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम पूछा गया था, ठीक है। तो भारत की जो सबसे दूसरी बड़ी सबसे नदी है ये गोदावरी है। पहली कौन सी है, तो गंगा नदी है, ठीक है। दूसरी कौन सी है, तो गोदावरी, जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि भारतीय नौसेना की जो पहली महिला पायलट कौन है, तो भारतीय नौसेना की जो पहली महिला पायलट बनाई गई है ये लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को बनाया गया है। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि भूकंप मापने में जो कितने नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से 12 हो गया, ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो भूकंप पैमाने के में जो है कितने नंबर होते हैं, तो 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। तो 0 से 9 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है ये CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, ठीक है। तो CPU जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था कि कालबेलिया डांस जो कि फोक डांस है राजस्थान स्टेट का, इसको जो है यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया था, ठीक है। तो 2010 में घोषित किया गया था। तो 2010 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मॉनसून फॉरेस्ट को जो है क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए मॉनसून फॉरेस्ट को जो है ड्राई फॉरेस्ट भी कहा जाता है और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 में जो किसे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये 2019 में दिया गया था, ठीक है। और ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। बहुत सारे बच्चे जो है विनोद खन्ना को मार के हैं, लेकिन विनोद खन्ना आपका नहीं सही होगा, अमिताभ बच्चन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि पंकज अडवाणी ने जो अभी तक कितने मेडल जीते, तो मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर, ठीक है, 22 मेडल होगा। तो 22 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है। तो देखिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है ये विराट कोहली को दिया गया है। तो विराट कोहली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो है कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो देखिए लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो है ये अनुच्छेद 93 के अंतर्गत किया जाता है। तो आर्टिकल 93 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहता था कि राज्य हड़प नीति कौन लाया था, ठीक है। तो देखिए ये जो राज्य हड़प नीति लाए थे ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहता था दोस्तों कि दक्षिण प्रायोजित में जो दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी जो भारत के 10% क्षेत्र को जो है कवर करती है, तो ये जो 10% क्षेत्र को जो कवर करती है वो गोदावरी है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी पूछा गया था। तो गोदावरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1464 किलोमीटर है, ठीक है। और फर्स्ट पे जो सबसे बड़ी नदी घाटी है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम स्थल है गंगा का वो गंगोत्री ग्लेशियर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि मोहनजोदाड़ो के जो है उत्खनकर्ता कौन है। तो देखिए मोहनजोदाड़ो के जो उत्खनकर्ता है ये आपके राखलदास बनर्जी हैं। तो राखलदास बनर्जी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि पंच जगत की जो अवधारणा ये किसने दी है। तो पंच जगत की जो अवधारणा दिए थे ये राज RH विटकेयर ने दिया था, ठीक है। तो RH विटकेयर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि संविधान दिवस जो ये कब मनाया जाता, तो मैंने आपको बता दिया कि 26 नवंबर को जो भारत गणराज्य का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि मानसूनी वन जो है किसे कहते हैं। तो देखिए मानसूनी वन जो है ये उष्णकटिबंधीय वन को कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है मुझे मिले हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि आपके ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको याद है तो आप प्लीज़ जो है कमेंट्स करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कल सुबह के वीडियो जैसे ही लाऊंगा सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को नहीं दबाए तो बेल आइकन को भी जो है प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।